गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और जैसा कि आपने देखा, मैं एक पैच प्ले कर रहा था और ये जैसे दोगुन वगैरह बजती है ढोलक की या तबले की किसी भी तरीके की, या पंजाबी सॉन्ग हो या फिर जागरण में हो या भजन वगैरह सॉन्ग हो, किसी भी तरीके का जब डबल पैटर्न दोगुन बजती है ढोलक पे, तो उसके साथ ये पैच बहुत ही ज़बरदस्त आता है। आपने देखा, मैं अभी बिना ढोलक वगैरह के ये पैच बजा रहा था तो ये कितना बढ़िया आ रहा था। इसमें रोलिंग वगैरह सब लगी हुई है, देखिए इसमें रोलिंग भी लगी हुई है, यहाँ पे ढोल लगा हुआ है, बाकी यहाँ पे हमारा किक और परकेशन लगा हुआ है, किक और हाइट वगैरह। जो जैसे जागरण वगैरह में, चाहे आप जागरण में बजाए चाहे पंजाबी वगैरह में, तो बहुत ही बढ़िया लगता है ये। जैसे पंजाबी के डबल सॉन्ग होते हैं, जिस तरीके से मैं डर दी रब रब डर दी, इस तरीके के पैटर्न बहुत ही बढ़िया ज़बरदस्त पंजाबी में आप बजाए इसे, और जागरण वगैरह में भी जैसे दुगुन चल रही है तो बजाए इसे ज़बरदस्त तरीके से, और बहुत ही बढ़िया आउटपुट आएगा। बहुत ज़बरदस्त पैच है, मैं भी इसे यूज़ करता हूँ जागरण वगैरह में भी और शो वगैरह में भी, पंजाबी सॉन्ग वगैरह या मेडले के डबल के मेडले होते हैं तो मैं भी इसे बजाता हूँ। तो आइए देखते हैं इस पैच को बजाना कैसे है और ये पैच किस तरीके से बनाया हुआ है। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमने क्या क्या इंस्ट्रूमेंट लगा रखे हैं। यहाँ पे देखिए, ढोल, हाई हैट ओपन, हाई हैट के साथ दिखता भी है, यहाँ पे हाई हैट, किक, किक के साथ क्लैप, बाकी ये रोलिंग और ये हमारा क्रैश। तो आइए अब देखते हैं इंस्ट्रूमेंट हमने कौन कौन से लगा रखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमेशा की तरह पैड बैंक ए इंस्ट्रूमेंट, L30 जो कि है ढोल, इसका लेवल 11। लेवल अगर आपको आउटपुट के हिसाब से कम या ज़्यादा लगता है तो आप थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, वैसे 11 में ये सही लेवल आता है। इसका पिच -1 रखा हुआ है, अगर आपको स्केल से ढोल मिलाना आता है तो आप मिला सकते हैं। इसका डिके है 20 और पैन, कर्व और FX, ये मैं बताऊंगा। FX में जो है डिले लगा रखा है, जैसे बहुत लोग दोगुन में सिंगल हैंड से इसे ऐसे डबल इस तरीके से नहीं बजा पाते हैं तो वो डिले का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने सिंगल हैंड से ही इसे डबल बजाए इस तरीके से, इस तरीके से डबल बजाए एक ही हाथ से, ना कि डिले का यूज़ हो सके तो कम से कम यूज़ करें। तो अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे देखिए I20 लेवल 8, पिच इसका 0, डीके 20, बाकी ये तीन चीज़ इसमें सेम रहेंगी, पैन, सेंटर, कर्व EP4 और 0। 0 FX जो हमने डिले का लगा रखा है, यहाँ पे सबका 0 रहेगा, सिर्फ वहाँ पे इसे बढ़ाएंगे जहाँ हमें डिले यूज़ करनी है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे L27 परकेशन यानी कि टैम्बोरिन, इसका लेवल 9, पिच 0, डिके 20, बाकी ये तीनों चीज़ें सेम। यहाँ पे किक, किक B47 जो कि सबसे हैवी किकों में से एक है, लेवल 14, पिच इसका -2। -2 इसलिए किया हुआ है कि थोड़ा सा माइनस लेवल करने से किक और हैवी हो जाती है, तो पैटर्न और भर के आता है ज़बरदस्त पंच के साथ। और डिके इसका 0, बाकी ये सब सेम। यहाँ T37, यहाँ हमने तीनों में T37 लगा रखा है, ये देखिए, बस क्या है थोड़ा सा तीनों का पिच अलग अलग है, एक तरीके से जाके जैसे सागा पा हम करते हैं, तो इस तरीके से हमने इसे बना रखा है। तो इन तीनों में T37 लगाना है,
अब मैं तीनों का एक साथ बता देता हूँ। लेवल तीनों का 11 है, देखिए, और पिच पिच तीनों की अलग अलग रहेगी। इसकी है 9, इसकी है 4 और इसकी है -3। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है किक जो हमने क्रैश के लिए लगा रखी है, इसका लेवल 13, पिच -2, डीके 0, बाकी सब सेम। अब आते हैं पैड बैंक बी में, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने H27 जो कि क्लोज हाई हेट है, ताकि जब हम यहाँ पे ओपन हेट बजाएं और यहाँ पे साथ में बजाएं तो ये इस तरीके से बंद हो जाए। देखिए मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। वैसे ये देखिए कितनी देर तक आ रही है, यहाँ पे जब साथ में बजेगी इस तरीके से तो ये इस तरीके से क्लोज होती जा रही है इस क्लोज हाई हेट की वजह से, ये देखिए इस तरीके से। तो इसलिए हमने यहाँ पे ओपन के साथ क्लोज हाई हेट जो कि ढोल में मिक्स कर रखी है। तो अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे है H12, कैपिटल H12, ओपन हाई हेट, इसका लेवल 11, पिच 0, डीके भी 0, बाकी सब सेम। अब यहाँ पे आते हैं स्मॉल एच, यहाँ पे है स्मॉल एच 29, लेवल इसका 9 है और पिच 0, डीके 20, पैन सेंटर, बाकी सब सेम। ये यहाँ 2 हो रखा है, इसे मैं 0 कर देता हूँ, ये हमें 0 ही रखना है। अब आते हैं यहाँ, यहाँ पे है क्लैप, ये देखिए क्लैप, लेवल इसका 9, पिच 0, डीके 20, बाकी तीनों सेम। अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे भी देखिए तीनों में T37 टॉम लगे हुए हैं जो हमने ए में लगाया है, वही सेम बिल्कुल सेम बी में लगाना है हमें, ए में बी में भी है ये और ए में भी है। तो जब दोनों मिक्स हो जाएंगे तो इसका लेवल काफी हाई हो जाएगा, जो रोलिंग के वक्त हमें लगाते समय बहुत बढ़िया आएगा। अब आते हैं यहाँ, यहाँ पे जो हमने क्रैश लगा रखा है, क्रैश है C03, लेवल 11 और पिच -1, डीके 0, बाकी सब सेम। और जो FX है, इसमें FX हमने लगा रखा है डिले, ये देखिए आपको डिले सुनाई दे रही होगी, मैं एक बार हिट कर रहा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ। जो डिले है FX टाइप वो हमने लगा रखा है 20, इसकी टाइमिंग रही 9 और इसका लेवल रहेगा 13। 9 जो टाइमिंग है वो दुगन पैटर्न के हिसाब से है, मैं आपको बजा के दिखाता हूँ। और हमने यहाँ पे ढोल की चांटी और इसमें हमने डिले लगा रखा है, ये दुगन के हिसाब से है। अब मेरी डिले ये ऑन है तो अब देखिए दो बार साउंड आ रही है। अब मैं बजा के दिखाता हूँ डिले के साथ ये कैसा आएगा। तो देखा आपने, आप डिले के साथ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि डिले का यूज ना करें, आप इसे सिंगल हाथ से ही डबल बजाएं इस तरीके से। तो सिंगल हाथ से प्रैक्टिस करने पे क्या होगा, आपका हाथ भी अच्छा चलेगा और आपकी प्रैक्टिस भी अच्छी होगी। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ इस पैटर्न को बजाना कैसे कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले अगर आप थोड़ा दुगन से थोड़ा सा स्लो बजा रहे हैं तो इस तरीके से बजाए, सिंगल भी यूज कर सकते हैं और इसे चाटी को, ये जो ढोल की चाटी है इसे डबल भी यूज कर सकते हैं। सिंगल देखा आपने, आप डबल देखिए,
और जैसे बहुत फास्ट दुगन चल रही है तो भी आप इसे इसी चीज को फास्ट कर दीजिए। और सिंगल भी बजाएंगे तो भी बस एक ढोल की चाटी कम हो जाएगी, लेकिन आएगा अच्छा है इस तरीके से। बिल्कुल मैं स्लो करके दिखाता हूं ताकि आप इसे तैयार कर सकें। और डबल की ढोल की चाटी में क्या करेंगे? तो देखा आपने, तो अब आप सब कीजिए इसकी प्रैक्टिस और इस पैच को बनाएं और इसे यूज़ करें, और यूज़ करने के बाद मुझे बताएं कमेंट में कि आपको ये पैच कैसा लगा। तो अब दीजिए मुझे इजाज़त, और तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को नमस्कार।